हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर ग्रुप टेस्ट ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि वेक्टर ग्रुप की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो जैसे कि हम लोगों को पता है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, या फिर हम लोग बोल सकते हैं HV वाइंडिंग और LV वाइंडिंग, ये दोनों स्टार या डेल्टा फॉर्म में होते हैं। अब इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से हम लोग अलग अलग वाइंडिंग्स कर सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमें प्राइमरी वाइंडिंग के वोल्टेज और सेकेंडरी वाइंडिंग के वोल्टेज में कुछ फेज शिफ्ट मिलता है। अब वो फेज शिफ्ट दिखाने के लिए हम लोग वेक्टर ग्रुप का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वेक्टर ग्रुप नेम प्लेट पर ट्रांसफार्मर के कहाँ लिखा होता है, और उसके ऊपर हम लोग आज वेक्टर ग्रुप टेस्ट कैसे करना है वो देखेंगे। अब जैसे कि हमारी नेम प्लेट है, अगर आप इसके लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो उसकी एक वेक्टर डायग्राम बनी है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग को। प्राइमरी वाइंडिंग के जो वोल्टेजेस हैं उसको हम लोगों ने 1U 1W 1V से शो किया है, और सेकेंडरी वाइंडिंग के वोल्टेज को हम लोगों ने 2U 2V और 2W से शो किया है। अब अगर हम लोग राइट हैंड साइड में देखेंगे तो वहाँ पर वेक्टर ग्रुप दिया हुआ है जो है YN YN 0। अगर वहाँ पे देख नहीं रहा है, इसके लिए मैंने साइड में लिख दिया है, दैट इज़ कैपिटल YN स्मॉल YN 0। मतलब कैपिटल YN स्टैंड्स फॉर HV वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग, स्मॉल YN इज शो LV वाइंडिng और सेकेंडरी वाइंडिंग, और 0 का मतलब होगा कि प्राइमरी वाइंडिंग के वोल्टेज और सेकेंडरी वाइंडिंग के वोल्टेज में कोई फेज शिफ्ट नहीं है, फेज डिफरेंस उसका 0 है। वेक्टर ग्रुप टेस्ट में हमको क्या करना होता है कि हमको वेक्टर ग्रुप के हिसाब से हमको एक इक्वेशन बनानी पड़ती है, फिर हमको प्राइमरी वाइंडिंग के वोल्टेज और सेकेंडरी वाइंडिंग के वोल्टेज को कैलकुलेट करके या फिर मेज़र करके हमको वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना होता है। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो वेक्टर ग्रुप सही है, अदरवाइज़ गलत। अब पहले हम लोग देख लेते हैं कि वेक्टर ग्रुप की क्यों ज़रूरत पड़ती है, नीड ऑफ वेक्टर ग्रुप टेस्ट। तो सबसे पहले हम लोगों को पता है कि जो हमारे थ्री फेज ट्रांसफार्मर में हम लोग डिफरेंट टाइप के वाइंडिंग्स कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमको वेक्टर ग्रुप टेस्ट की क्यों ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे कि हम लोगों को पता है कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर में स्टार या डेल्टा वाइंडिंग होती है। अब हम लोग अलग अलग कॉम्बिनेशन के वाइंडिंग कनेक्शन के हमको अलग अलग फेज एंगल्स मिलते हैं वोल्टेज के बीच में, जैसे प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज जो होगा उन दोनों के बीच में हमको अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग फेज एंगल्स मिलते हैं वोल्टेजेस में। अब जैसे अगर हम लोग ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारा वेक्टर ग्रुप सेम होना चाहिए। अगर वेक्टर ग्रुप सेम नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा हमारे ट्रांसफार्मर में, और वो अलग अलग सिस्टम्स को डिस्टर्ब भी करेगा। इसके लिए हमारा वेक्टर ग्रुप टेस्ट दो ट्रांसफार्मर का होना ज़रूरी है। तो ये था हमारा पर्पस कि वेक्टर ग्रुप टेस्ट क्यों करना है। तो अब चलिए जानते हैं कि वेक्टर ग्रुप टेस्ट करते कैसे हैं। वेक्टर ग्रुप टेस्ट करने के पहले हम लोगों को एक इक्वेशन बनाना पड़ता है, जिसके फिर हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग वोल्टेजेस मेजर करेंगे बाय मल्टीमीटर, और वो वोल्टेज की वैल्यू जब हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी तो इसका मतलब हमारा वेक्टर ग्रुप टेस्ट सक्सेसफुल हुआ। अगर सेटिस्फाई नहीं करती है तो हमारा वेक्टर ग्रुप टेस्ट अनसक्सेसफुल रहेगा। तो चलिए हम लोगों ने जो वेक्टर ग्रुप देखा था YN YN 0, इसके ऊपर से एक इक्वेशन बनाएंगे। तो YN जो है प्राइमरी वाइंडिंग को शो करता है, इसलिए ये हम लोगों ने वेक्टर बना दिया वेक्टर ग्रुप, जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज है 1U 1V 1W। अब जैसे कि स्मॉल YN है वो सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज है, वो क्लॉक में हम लोग शो करेंगे तो वो हमारा 12 o'clock पे 2U आएगा। अगर समझो कि हमारे यहाँ पर स्मॉल YN के आगे 1 होता तो हमारा जो सेकेंडरी वाइंडिंग का वेक्टर ग्रुप है वो हमारा रोटेट होता 30 डिग्री से, मतलब एक की तरफ रोटेट हो जाता क्लॉकवाइज। अगर वो 11 होता तो वो एंटी क्लॉकवाइज 11 की तरफ रोटेट होता, मतलब वहाँ पे फेज शिफ्ट हम लोग को +30 और -30 मिलता। तो हम लोग क्या करते हैं, अब जो सेकेंडरी वेक्टर ग्रुप मिला हमको, ये हम लोग इसके साथ रखेंगे प्राइमरी वाइंडिंग के वेक्टर ग्रुप के साथ। अब हम लोग क्या करेंगे, 1U और 2U को शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज मेजर करेंगे 1V और 2V के बीच में, जो हमारा सेम होना चाहिए 1W और 2W के। अगर हम लोग वेक्टर ग्रुप देखेंगे तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग है ना सेम है, इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि 1V 2V इज इक्वल टू 1W 2W।
अब सिमिलरली अगर हम लोग 1V और 2W के बीच के वोल्टेज मेजर करेंगे तो वो हमारा 2V 1W के वोल्टेज के बराबर होगा, इसलिए हमारा दूसरा इक्वेशन आएगा 1V 2W इज इक्वल टू 1W 2V। अब तीसरा इक्वेशन होगा हमारा 1U 1N विच इज इक्वल टू 2U 2N प्लस 1N 2N। अगर हमको 1U और 1N के बीच का वोल्टेज अगर हम लोग मेजर करेंगे तो वो वोल्टेज हमारा इक्वल किसके बराबर होगा, तो वो 2U 2N के बीच के वोल्टेज प्लस 1N और 2N के बीच का जो वोल्टेज होगा उन दोनों के वोल्टेज के सबमिशन के बराबर होगा। तो ये आ गई हमारी इक्वेशंस। अब हम लोग देखते हैं इसका प्रोसीजर कैसा होता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमारा जो 3-phase ट्रांसफार्मर होगा उसका 1U और 2U इन दोनों को शॉर्ट कर देना है। फिर हम लोग देंगे 3-phase 440 वोल्ट सप्लाई HV वाइंडिंग को और प्राइमरी वाइंडिंग को। फिर हम लोग मल्टीमीटर से अलग अलग वोल्टेज मेजर करेंगे, जैसे जो हमारे इक्वेशन के लिए रिक्वायर है वो सब, जैसे 1N 2N, 1V 2V, 1W 2W, 1V 2W, 1W 2V, 1U 1N और 2U 2N। फिर हम लोग देखेंगे ये वैल्यू जो मिली हमको वोल्टेजेस की, ये वोल्टेज की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन में डालेंगे और वो अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो हमारा वेक्टर ग्रुप करेक्ट है, अदरवाइज़ हमारा वेक्टर ग्रुप करेक्ट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि वेक्टर ग्रुप टेस्ट कैसे करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।